वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 4 सितंबर शाम 4:58 पर देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। गुरु यानी बृहस्पति को सुख, सौभाग्य और ऐश का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के प्रति गुरु ग्रह की शुभ स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब कोई ग्रह किसी राशि में वक्री करता है तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि गुरु के मेष राशि में वक्री होने से किन राशियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो चलिए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस मुश्किल भरी राशि में शामिल। बंधुओं, जीवन में सफलता और सौभाग्य के लिए, उन्नति के लिए देव गुरु बृहस्पति का अनुकूल होना नितांत आवश्यक है। मार्गदर्शन से लेकर सफलता तक उसको ले जाना देव गुरु बृहस्पति का ही काम है। आगामी 4 सितंबर शुभ दिन सोमवार सायं 5 बजे पंचमी तिथि को देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कोई भी निर्णायक स्थिति मन की नहीं बन पाएगी। ऐसे में इन जातकों को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में 1 लोटे में जल, हल्दी अथवा गुड़ डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करते हुए अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को केला अथवा रोटी खिलाएं, जिससे देव गुरु बृहस्पति की अनुकूलता का लाभ प्राप्त होगा। अन्य सभी राशियों पर अनुकूलता बनी रहेगी। विशेषतया तुला राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति होने का लाभ प्राप्त होगा।